एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी अलाइड। सो अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ GERD के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है और आपको कॉमनली काफी पेशेंट इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, दैट इज गैस्ट्रो ऑइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। तो सबको डायग्राम याद है, अगर हम एनाटॉमिकली याद करें तो क्या होता है, ये हो गया आपका ऑइसोफेगस और इधर से इसके पास से निकलता है हमारा स्टमक। दिस इज द स्टमक, दिस इज द ऑइसोफेगस। अब होता क्या है कि मान लो किसी, अब पैथोफिजियोलॉजी में हम जब पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि नॉर्मली भी होता है ये GERD, नॉर्मल भी होता है। तो नॉर्मली कब होता है, जब आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, तो कहते हैं ना खट्टी डकारें आ रही है, खाना ऊपर को आ रहा है, ये वाले सिम्टम्स आपने बहुत सुने होंगे। तो ये इसको, इसी कंडीशन को कहते हैं कि आपने खाना बहुत सारा ऐसे पेट में आप भरते गए भरते गए भरते गए, कैपेसिटी होती है हमारे पेट की एक, ठीक है, 2-3 लीटर तक खाना बेचारा ले सकता है। अब क्या, जब आपने इस पेट को पूरी तरीके से भर दिया तो अब कहाँ जाएगा वो, क्योंकि पचेगा पहले तो पेट में, 2-3 घंटे खाना पेट में रहता है, हमारे स्टमक में रहता है। तो यहाँ पर जब तक खाना पचेगा नहीं, नीचे तो जा नहीं सकता, तो वो वापस आने लग जाता है ऑइसोफेगस में और इसको कहते हैं रीफ्लक्स। ठीक है, वापस आना, रीफ्लक्स, तो दैट इज द रीफ्लक्स डिसीज। अभी अगर हमने पढ़ा कि नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी में भी ऐसा होता है, फिजियोलॉजी में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा पेट बहुत ज्यादा भर जाता है जिसकी वजह से हमें GERD के या GERD के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, अब मान लो फिर से एक बना देती हूँ, ये है ऑइसोफेगस, ये है स्टमक, स्टमक बड़ा खराब बन गया, यस ये है स्टमक। अब नॉर्मल में क्या हुआ, आपने मान लो बहुत सारा खाना खा लिया, यहाँ पर आपका पेट भर गया, अब ये जो, क्योंकि हमारे स्टमक में यहाँ पर बहुत सारे एसिड रिलीज होते हैं, सबको पता है यहाँ पर एसिड्स होते हैं बहुत सारे, HCL होता है। तो हमारा खाना जैसे ही स्टमक के अंदर आया, वहां पर एसिड्स मिल गए सारे के सारे। बट जब ये एसिड वाला खाना वापस इधर जाएगा और ऊपर से हमारा यहाँ पर माउथ है, तो माउथ में क्या होता है, सलाइवा। तो सलाइवा कैसा होता है, सलाइवा होता है एल्कलाइन, गैस्ट्रिक कंटेंट एसिडिक होता है। ये दोनों जब यहाँ ऑइसोफेगस में मिलते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट अगर बहुत लंबे टाइम तक, ये डिसीज कब बनती है, डिसीज कब जनरेट होती है, पैथोलॉजी कब बनती है, जब ये जो ऑइसोफेगस है इसकी म्यूकोसा बहुत ज्यादा एक्सपोज हो, बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज हो GI कंटेंट से, तब। अब मान लो बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि इस तरीके से जो ये खाना है बार बार रिफ्लक्स हो ही रहा है, ठीक है, तो हर बार तो सलाइवा उतना उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तब क्या होता है, अगर म्यूकोसा बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सपोज होती है टू द GI कंटेंट तो ये डिसीज डेवलप हो जाती है। अब ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, पहला पॉइंट है एबनॉर्मलिटीज ऑफ द लोअर ऑइसोफेगल स्फिंक्टर। तो ऑइसोफेगस के दो स्फिंक्टर होते हैं, ये ऑइसोफेगस है, ये इसका अपर स्फिंक्टर है, ये इसका लोअर स्फिंक्टर है। तो ये क्या होता है, ये डायलेट करते हैं, बढ़ते हैं, डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं जब हम खाना अंदर जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब मान लो ये जो लोअर ऑइसोफेगल स्फिंक्टर है ये एबनॉर्मली काम करे, कि जब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट होना है उस टाइम पे डायलेट ही रहे, तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है दोबारा ऑइसोफेगस में जाएगा। तो इसीलिए एबनॉर्मलिटीज ऑफ लोअर ऑइसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से भी GERD होता है। दूसरा हाइटस हार्निया, व्हाट इज हाइटस हार्निया, हाइटस हार्निया जब गैस्ट्रिक कंटेंट या जो गैस्ट्रिक पोर्शन है जब वो बाहर निकल आता है, ठीक है, नॉर्मल उसको होना यहाँ चाहिए गैस्ट्रिक कंटेंट को, तब ये यहाँ से वो बाहर निकल रहा है किसी और कैविटी में, इन्वेड हो रहा है किसी और कैविटी में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्निया। आपने पढ़ा होगा एक फ्यूमोरल हार्निया भी होता है, हाइटस हार्निया भी है, ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। हार्निया मतलब कि किसी भी चीज का प्रोट्यूड आउट होना इनटू द अदर कैविटी। तो हमारा स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में आता है, बट जब स्टमक हमारा थोरैसिक कैविटी में इन्वेड करना स्टार्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं हार्निया, दैट इज हाइटस हार्निया। उसके बाद डिलेड ऑइसोफेगल स्फिंक्टर, अगर ये स्फिंक्टर प्रॉपरली काम ना करें,
डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट कंटिन्यूसली ना हो सही तरीके से, तो इसकी वजह से भी जीआरडी हो जाएगा, गैस्ट्रिक कंटेंट, आपने बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, तो दैट इज द गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर. इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर कब इंक्रीज होता है, दो कंडीशन में, या तो बहुत ज्यादा मोटापा हो, ओबेसिटी हो, तो बहुत जो लोग ओबीज होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है कि उनको डकारें आ रही हैं, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ रहा है, ठीक है, जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है. उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी आपने ये सिम्टम बहुत सुना होगा कि प्रेगनेंसी में इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. उसके बाद है डाइट्री एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब मान लो किसी की बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरे दिन बैठा रहता है, पूरे दिन लेटा रहता है, तो क्या होगा, फिर उसको परेशानी होगी, उसका खाना ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है. एंड डाइट्री में अगर कोई बहुत ज्यादा टी या टबैको ले रहा है तो उसकी वजह से भी, या फिर कॉफी बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी हो जाता है. सो आई होप यहाँ पर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा व्हाट इज जीईआरडी, एंड आप अच्छे से अपने एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.